ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ WBJEE 2018 के क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ टेक्निक्स देंगे किस तरीके से अगर हम लोग एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो किस तरीके से हम लोग जुगाड़ लगा के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि हम आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सके और अपने नंबर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका WBJEE में स्कोर 40, 50, 60 इस रेंज में अटकता है, अगर आपका सपना है जादवपुर यूनिवर्सिटी, अगर आपको 100, 110, 120 इस रेंज में स्कोर करना है और कम टाइम बचे, आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से आप ये चीज कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज का फायदा उठा चुके हैं WBJEE में, JEE मेन में और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में। अगर आप चाहते हो WBJEE के अंदर में आप जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचो कम टाइम में, अगर आपने स्पेसिफिक WBJEE की प्रिपरेशन बहुत टाइम से नहीं करी है, मैं भी एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिक्स लगा करके और थोड़ा बहुत नॉलेज लगा करके, थोड़ा बहुत टेक्निक्स लगा करके जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी सिक्योर किया था। 849 रैंक मैंने अपने टाइम पे जो है लाई थी। ठीक है, फिर मैं NIT त्रिची से पढ़ने गया था। अगर आप भी चाहते हो कि आप कम टाइम में चीज कर पाओ, तो आपके लिए एक्सक्लूसिव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज है। एक्सक्लूसिव कोर्स की जो प्राइस है वो 499 है। आप सिर्फ 5 घंटे में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, और एंड मोमेंट में भी अगर आप इस कोर्स को परचेस करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसमें जो चीजें आप सीखोगे वो आप बहुत ही जल्दी अप्लाई करना भी सीख सकते हो, विद डेमोंस्ट्रेशन सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। एंड टेस्ट सीरीज के अंदर में आपको 1000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 30% पेपर जो है सिमिलर आने वाला है। एंड वो जो PDF है आपको फ्री में मिल रही होगी, साथ में टेस्ट सीरीज आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे, एंड साथ में आपको एग्जाम के पहले एक वीडियो मेंटरिंग सेशन मिलेगा मेरे साथ में। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज अगर आपको फायदा उठाना है सारी चीजों का, तो आप कॉम्बो ऑफर ले सकते हो, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। पहला लिंक आपको मिलेगा कोर्स का, दूसरा लिंक आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज का। अगर आप दोनों लेते हो कॉम्बो ऑफर में, आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी एंड आपको 100 रुपीज डिस्काउंट भी मिलेगा। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, कोर्स ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक्सक्लूसिव कोर्स है, उसके अंदर में आपको 5 वीडियोस मिलती है, 5 घंटे का कोर्स है जिसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी ट्रिक्स से रिलेटेड। दूसरा हमारे पास में मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर में आपको वीडियो मेंटरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज और फ्री में 1000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF मिलेगी। और अगर आप दोनों लेते हो तो आपको कॉम्बो ऑफर में 100 रुपीज डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी लेट मत करो, अगर आप सीरियस हो WBJEE के लिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, और अगर आपके पास में अच्छी प्रिपरेशन अभी नहीं हो रखी है, तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है दोनों चीजें आपको एनरोल करने के। ठीक है, और अगर आप एनरोल करते हो इसमें तो आपको विद इन 1 आवर आपको कोर्स भी दे दी जाएगी, विद इन 1 आवर आपको ग्रुप में ऐड भी कर दिया जाएगा, एंड आप जिस दिन एडमिशन लोगे उस दिन से कुछ घंटे बाद से ही आपके टेस्ट सीरीज का आपको शेड्यूल मिल जाएगा एंड आपके टेस्ट वगैरह लेने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, देर ना करते हुए इस कोर्सेज का जरूर से फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिया है WBJEE 2018 के मैथमेटिक्स सेक्शन से, है ना। हम लोग फिजिक्स का सेक्शन और केमिस्ट्री का सेक्शन देख चुके हैं। फिजिक्स में हम लोग जो है 20 मार्क्स में हम लोग तुक्का लगा लिए, केमिस्ट्री में हम लोग 10 मार्क्स में तुक्का लगा लिए, और मिनिमम हमने जितने भी क्वेश्चंस में तुक्के लगाए हैं, जैसे आपको मैं बताऊं तो फिजिक्स के अंदर में ना हमने 20 मार्क्स में तुक्का लगा के मैंने आपको दिखाया 2018 के पेपर में। केमिस्ट्री में मैंने 10 मार्क्स जो है आपको तुक्का लगा के दिखाया 2018 के पेपर में, और अब हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स देख रहे हैं। तो ये जो 20 और 10 मार्क्स में हमने तुक्का लगाया, इसमें मिनिमम स्कोर जो है वो आपका 50%, 45-50% जो है सारे बच्चों का अचीव हुआ है। आप लोग जो है पिछला वीडियो अगर नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर में वीडियोस दिख जाएंगी, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के पास्ट के सारे एपिसोड्स को देख सकते हो। 2018 के पहले हमने 2016-17 का पेपर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, 2022 की अलग से प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। साथ में हमारे जो 3 इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, जो कि हमारे कोर्स के लिंक्स हैं, जिसमें जो पहला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वो मिलेगा एक्सक्लूसिव जो ट्रिक्स का कोर्स है उसका आपको लिंक मिलेगा, दूसरा लिंक आपको मिलेगा जो एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज और 1000+ PDF है हमारे पास में, 1000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जिसमें आप 30% सिमिलर एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एग्जाम में, और तीसरा लिंक आपको मिलेगा कॉम्बो का। ठीक है ना, तो ये 3 लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लास्ट राउंड में प्रिपेयर कर रहे हो WBJEE के लिए, बहुत सॉलिड आपके प्रिपरेशन अगर नहीं है, कम टाइम में अगर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से आपको समझ में आएगा कि कम टाइम में किस तरीके से आप 50-60 नंबर से 100 नंबर, 110 नंबर, 120 नंबर पे पहुंच सकते हो, जादवपुर किस तरीके से सिक्योर कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में आपको जो है प्रैक्टिस मिलेगी, टेस्ट सीरीज 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, साथ में आपको जो है 1000
क्वेश्चंस आपके छाटे हुए हैं, आप सिर्फ उन 1000 क्वेश्चंस को जो है कम टाइम में देख करके जा सकते हो, विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बहुत सुंदर से पीडीएफ बनाई गई है। सिर्फ उन 1000 क्वेश्चंस को आप निहार के चले जाओ तो आपका बहुत प्रॉपर रिविजन हो जाएगा, काफी रिसर्च से जो ये 1000 क्वेश्चन आपके लिए जो है बनाई गई है, जिसमें से आप 30% एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके मेन एग्जाम में जो है सिमिलर काइंड ऑफ आएंगे। और कॉम्बो में आपका 100 रुपीज डिस्काउंट है, जिसमें आपका ये दोनों चीज हो जाएगा, ठीक है। साथ में वीडियो मेंटरशिप सेशन जो हमारे पास में है, वीडियो कॉल पर आप मेरे साथ बात करोगे एग्जाम के पहले, ये सारे फैसिलिटीज आपको जो मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज, 1000+ क्वेश्चन की पीडीएफ, ट्रिक्स का पूरा एक्सक्लूसिव कोर्स है ना, और ये जो ट्रिक्स का एक्सक्लूसिव कोर्स है इसकी एक्सेस आपको विद इन 1 आवर मिल जाएगी, मतलब आप मान लो अभी पेमेंट करते हो तो आपको 1 घंटे के अंदर अंदर जो है डिजिटली आपको कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, और आप कोर्स को 4 से 5 घंटे में देख सकते हो। आप चाहो तो स्पीड बढ़ाकर भी कोर्स को देख सकते हो, 2x के स्पीड में भी आप चाहो तो कोर्स को देख सकते हो, ठीक है ना। और कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा इससे, ऐसा नहीं है कि आप यू नो लेट हो गए हो, ऑब्वियसली थोड़ा लेट तो आप हो, बट WBJ एग्जाम ही ऐसा है कि लोग बहुत ज्यादा इसके लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं, सिर्फ जो डेडिकेटेड है WBJ के लिए वो लोग प्रिपेयर करते हैं, बाकी आपको JEE मेन वगैरह के लिए आप प्रिपेयर करते हो। सो WBJ आप एज अ बैकअप देते हो कि हाँ यहाँ पर एक जादवपुर यूनिवर्सिटी अच्छा कॉलेज है, तो आपके लिए वो वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी तक भी आपने WBJ के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, जो भी आपके पास में 1-2 दिन बचे हुए हैं, 4 दिन बचे हुए हैं, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो हमारे पास में 3-4 दिन बचे हुए हैं, तो आप यहाँ से भी बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकते हो। कम से कम आपको साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी ना WBJ के पेपर का, ट्रिक्स कैसे लगना है, क्या लगना है, तो आप 30 से 40 नंबर का तो मिनिमम इंप्रूवमेंट जो है करके आओगे ही आओगे, जैसा मैं किया था और जैसा मैं 849 रैंक लाया था बिना कोई स्पेसिफिक WBJ की प्रिपरेशन करे, ठीक है। अब यहाँ पर जो 4 क्वेश्चंस को देखते हैं, ट्रिक यहाँ पर लगा करके देखेंगे, आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपको डोमेन का यहाँ पर बोल रहा है, दूसरा आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको भी पता है हम लोग क्या करते हैं, बैक टू बैक हम हर एपिसोड में कर रहे हैं, हम फिजिक्स के एपिसोड में भी करें, केमिस्ट्री के भी एपिसोड में करें, जब भी आपका इस तरीके का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है तो आप एक्सट्रीम वैल्यूज को ना एलिमिनेट कर दिया करो, क्या करा करो आप एक्सट्रीम वैल्यूज को आप एलिमिनेट कर दिया करो, मतलब सबसे छोटा आपका 1 है एलिमिनेट कर दो, सबसे बड़ा आपका 4 है आप एलिमिनेट कर दो, बी और सी में से आप तुक्का लगा लो, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है और आपको तुक्का लगाना है, ठीक है, तुक्का ट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप क्या करोगे, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, 10 में से 8 बार देखा गया है कि एक्सट्रीम ऑप्शंस आपके आंसर नहीं होते हैं, और फिर आप जो है बाकी में तुक्का लगा दोगे। मैंने एक यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ, आप इस तरीके से जो कमेंट कर लो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप बी और सी में से कोई एक तुक्का लगाओगे, ठीक है ना। मैं आपको वीडियो के एंड में इसके आंसर्स बता देता हूँ, आप अभी के लिए क्या करो बी और सी में से कोई एक तुक्का लगा लो और कमेंट में जाकर के डाल देना कि आपने क्या तुक्का लगाया है। उसी तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, 3 को एलिमिनेट कर सकते हो, आप जो है 6 को एलिमिनेट कर सकते हो, और फिर आप बी और सी में से जो है तुक्का लगा सकते हो। तो आप लोग क्या करना, कमेंट में जाकर के बताना कि आप क्या तुक्का लगा रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे ना, हम एक तो होता है एक्चुअल तरीका डोमेन निकालने का, रेंज निकालने का, अगर आपने फंक्शंस वगैरह अच्छे से पढ़ रखा है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे, बट जब आप WBJ का एग्जाम दे रहे हो ना, तो आप बोर्ड एग्जाम और WBJ के एग्जाम में फ़र्क है। अगर हम बोर्ड एग्जाम दे रहे होते तो हम पूरा प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते, बट बिकॉज हम WBJ का एग्जाम दे रहे हैं, हमें सिर्फ आंसर करेक्ट आंसर मार्क करना है, तो हम यहाँ पर ना डोमेन और रेंज ये सारी चीज़ें जो एक्चुअल तरीके से नहीं निकालेंगे। व्हाट विल डू इज विल पुट द ऑप्शंस, हम ऑप्शंस पुट करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आपको 1 दिखेगा, ठीक है, 1 है ना। अब ये 1 है, आपको कहीं कहीं तो क्लोज ब्रैकेट में दिखेगा, कहीं कहीं आपको ओपन ब्रैकेट में दिखेगा। देखो यहां पर क्लोज ब्रैकेट में है और यहां पर ओपन ब्रैकेट में है, फिर यहां पर क्लोज ब्रैकेट में है और यहां पर तो साला है ही नहीं, ठीक है। तो आप इतना चेक करो कि क्या 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर 1 सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब 1 इसके डोमेन में होगा। अगर आप 1 यहां पर पुट करते हो तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1-1 डिवाइडेड बाई 2-1, तो ये कुल मिला के बन जाएगा 0। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, हम 1 पुट कर ही सकते हैं, 0 आ गया है ना। डोमेन क्या होता है, हमने जैसे मान लो हमने रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो वो चीज़ नहीं आ सकता है ना, तो वैसे केसेस में उसको हम डोमेन का हिस्सा नहीं बोलेंगे। बट यहाँ पर 1 पुट करने पे कुछ अनहोनी तो हुई नहीं है ना, नॉर्मल हमारे पास में 0 आ गया जो कि आ ही सकता है, तो हमारे पास में 1 जो है ना वो डोमेन का हिस्सा हो सकता है, तो 1 को एक्सक्लूड करना कोई ज़रूरत वाली बात यहाँ पर नहीं लग रही है। तो हमारा जो ये वाला ऑप्शन है ना सी, और जो हमारा ये ऑप्शन है ए, इन दोनों को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में ना 1 को एक्सक्लूड किया गया है। यहाँ पर आपका ओपन ब्रैकेट में 1 है और यहाँ पर आपका 1 है ही नहीं, सिर्फ -1 तक है, तो 1 है डोमेन का हिस्सा क्योंकि हमने 1 को पुट किया और हमारा प्यारे तरीके से आंसर 0 आया है ना। 1 पुट करने से हमको एक सही वैल्यू मिल रही है, हमको कोई एबनॉर्मल वैल्यू नहीं मिल रहा, हमको कोई है ना रूट के अंदर नेगेटिव या फिर डिनोमिनेटर में 0 इस टाइप का कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1 जो है इसका हिस्सा रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पोर्शन सेम है, ये और ये पोर्शन सेम है,
यहां पर आपका ये वाला वैल्यू है नेगेटिव वाला, तो आप ये चेक कर लो कि नेगेटिव पुट करने पे कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। अगर दिक्कत आ रही होगी तो डी आंसर होगा, दिक्कत नहीं आ रही होगी तो बी आंसर होगा। तो आप क्या करो, कुछ मत करो, माइनस टू से माइनस इन्फिनिटी है, आप माइनस थ्री ले लो, माइनस थ्री लेके यहां पे पुट कर लो। तो आप अगर माइनस थ्री लेके पुट करोगे तो आपका आएगा वन माइनस, और माइनस थ्री का मॉड है तो थ्री आ जाएगा, तो वन माइनस थ्री आ जाएगा आपका ऊपर, और नीचे आ जाएगा आपका टू माइनस थ्री, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका। तो ये कुल मिला के क्या आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ माइनस टू अपॉन माइनस वन, तो माइनस माइनस कट जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव आ भी नहीं रहा, माइनस और माइनस कट गया, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू रखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई और वैल्यू भी रख सकते हो, थ्री माइनस थ्री माइनस फोर कुछ भी रख लो, आप यहाँ पे रख लो, तो आपका वो माइनस माइनस कटने ही वाला है। जब वो कटने ही वाला है तो रूट के अंदर पॉजिटिव ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इसका मतलब नेगेटिव जो वैल्यूज है माइनस टू से माइनस इन्फिनिटी, ये भी डोमेन का हिस्सा बेशक हो सकती है। तो अगर ये भी डोमेन का हिस्सा हो सकती है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, द करेक्ट आंसर विल बी बी। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका, हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर मार्क कर दिया। आप इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बोर्ड एग्जाम नहीं है कि आप पूरे स्टेप्स फॉलो करोगे, है ना, और जो जो स्टेप्स होता है वो सब लिख करके आप इंटरसेक्शन वगैरह लोगे, उस तरीके से आप नहीं करोगे, आप ऑप्शंस में से ही जो है वैल्यूज को पुट करके काम कर लोगे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास में बी हुआ, एग्जैक्ट आंसर मैंने निकाल के दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपको एग्जैक्ट आंसर निकाल के दिखाया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये सारे वन मार्कर क्वेश्चंस हैं, है ना, आपको सही होने के एक नंबर मिलेंगे और गलत होने के आपके जो है वो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम क्या करेंगे, अपना अजम्पशन मेथड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, अजम्पशन मेथड। अब आप बोलोगे अजम्पशन मेथड क्या होता है, ठीक है, तो बहुत डिटेल में मैंने अजम्पशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ट्रिक्स के जितने भी डोमेन होते हैं मैंने कोर्स के अंदर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। साथ में टू मार्कर क्वेश्चन हो गए, और साथ में 2021 का जो पेपर है हमारे पास में लेटेस्ट WBJ का पेपर, उसके ऊपर में ट्रिक्स हो गए, सब कुछ जो है कोर्स के अंदर में डिटेल में बताया गया है। अगर आप अभी भी कोर्स के अंदर में एनरोलमेंट लेते हो, एक घंटे के अंदर आपको जो है कोर्स की डिलीवरी मिल जाएगी, चार पाँच घंटे में आप कोर्स को कंप्लीट कर लोगे। देर मत करो, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, कोर्स बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर हेल्पफुल होने वाला है। शॉर्ट में बताता हूँ, अजम्पशन मेथड में क्या करते हैं ना, वैल्यूज़ को लेट कर लेते हैं, वी लेट द वैल्यूज़, हम वैल्यूज़ को ना अपने मर्जी से लेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेट एन इक्वल टू, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लेट एन इक्वल टू फोर ले लो और आर इक्वल टू टू ले लो। टू क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे टू दिया हुआ है, और एन को थोड़ा सा बड़ा ले लिया, फोर ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है टू प्लस टू फोर आएगा, तो एन को फोर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो हमारा जो क्वेश्चन है ना वो चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा फोर सी टू प्लस टू इन टू फोर सी थ्री प्लस फोर सी फोर, हमारा क्वेश्चन ये बन गया, है ना, हमने जो एन और आर की वैल्यूज ली उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन ये बन गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 4c2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू थ्री बाई टू फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू फोर सी थ्री हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमारे पास 4 ही आ जाएगा, है ना, 4c1 के बराबर हो जाएगा। फिर हमारे पास में ये आ जाएगा 4c01 के बराबर हो जाएगा, है ना, ये बेसिक। अब अगर आपको ये सब सॉल्व करना नहीं आता है फिर तो देखो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर तुक्का भी लगाना है तो थोड़ा तो आना चाहिए आपको, आप एकदम ही जीरो पे रहोगे और वहां से जादवपुर कैसे पहुंचोगे, थोड़ा बहुत तो आपका करना पड़ेगा फिर ही आप जादवपुर पहुंच पाओगे, बाकी काम मैं आपके लिए कर दूंगा। अगर आपको इतना सा आता है सॉल्व करना तो कितना हो जाएगा आपका, सिक्स हो जाएगा, सिक्स प्लस एट प्लस वन, एट प्लस वन हो गया नाइन, नाइन प्लस सिक्स हो गया पंद्रह, तो कुल मिला के आ गया आपका पंद्रह आ गया, ठीक है। ये करने का रीज़न क्या है, क्योंकि देखो इस फॉर्मेट में सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है, बच्चों से नहीं होता है, लेकिन ये फॉर्मेट में सॉल्व करना बहुत ईजी था, नंबर्स में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब अगर हमने नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया तो आप ऑप्शंस को भी जो है नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपके ऑप्शंस भी जो है ना वो चेंज हो जाएंगे, आपके ऑप्शंस बन जाएंगे टू फोर सी टू, है ना, आपके ऑप्शंस बन जाएंगे फाइव सी थ्री, है ना, आपके ऑप्शंस बन जाएंगे सिक्स सी फोर, है ना, आपके ऑप्शंस बन जाएंगे 5C2, ये आपके ऑप्शंस बन गए। क्या आपको बात समझ में आ रही है यहाँ पे, अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो 2 इंटू 4C2, 4C2 की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे आई थी हमारी 6, 6 टू जो आ रहा है 12, तो हमको तो 15 चाहिए, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। दूसरा आपका 5C3 है, 5C3 को हम 5C2 भी बोल सकते हैं, मतलब 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा आपका 10, हमको तो 15 चाहिए, तो ये भी आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन देखो 6C4, 6C4 को हम 6C2 भी बोल सकते हैं, तो 6 इंटू 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका आ जाएगा 5 3 जा 15 आ जाएगा, और हमको क्या चाहिए, हमको 15 ही चाहिए, है ना। ऑप्शन डी भी देख लो 5C2, तो 5C2, 5C2 मतलब 5 इंटू 4 बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका आ गया
10 आ जाएगा, तो हमको तो 10 नहीं चाहिए, हमको तो 15 चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन बच गया, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हमने यार यहाँ पर क्या किया, ऑप्शन एलिमिनेशन का टेक्निक यूज़ किया, हमने यहाँ पर क्या किया, अजम्पशन मेथड का टेक्निक यूज़ किया, और अज्यूम करके वैल्यूज़ को बहुत ईजिली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, वरना जनरल वे में बच्चों की हालत खराब हो जाती है, वो सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है ना। और बाकी दो क्वेश्चन में हमने एक्सट्रीम ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुक्का लगाया, उसमें हमारे जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ठीक है, दोनों में बी है, ठीक है। बाकी आप लोग सॉल्व करके देख लेना, बुक में आंसर की मैं बी दिया हुआ था, मैंने सॉल्व करके चेक नहीं किया, कभी कभी बुक में भी गलती होती है आंसर की। तो फाइनली जो करेक्ट आंसर है वो है बी, बी, सी एंड बी, दीज आर द करेक्ट आंसर फॉर दीज फोर क्वेश्चंस, जिसमें से पहला क्वेश्चन मैंने आपका करेक्ट करवाया, तीसरा करेक्ट करवाया, और बाकी जो दो में तुक्का लगाया है ना, उसमें मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपका एक तो सही हो ही जाएगा दो में से, क्योंकि हमने दोनों में दो दो ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का लगाया है। तो आउट ऑफ दीज फोर क्वेश्चंस हम तीन क्वेश्चन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिनिमम सारे बच्चों का जो यहाँ पर सही होगा आउट ऑफ दीज फोर क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है अगर हम तुक्का लगा करके ट्रिक्स लगा करके सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अब ट्रिक्स के ना बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, जैसे यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन आपने देखा, अजम्पशन मेथड आपने देखा, ऐसे बहुत सारे ना डोमेन होते हैं ट्रिक्स के, बहुत सारी थ्योरीज होती है ट्रिक्स की, जिसको आप बहुत ही चुटकी में जो है सीख सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं पूरे पूरे पेपर में। अभी तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि चार क्वेश्चन मैंने ट्रिक लगाया है, वॉट इफ आपके सामने पूरा पेपर हो, पूरा आपके पास में 100 नंबर का मैथमेटिक्स हो, पूरा आपके पास में 100 नंबर का फिजिक्स केमिस्ट्री हो, उस मोमेंट पे आपका क्या एटीट्यूड रहेगा, कितने टाइम में आप कितना करोगे, कितना कितने ट्रिक्स लगाओगे, ट्रिक्स से आप कितना बढ़ा सकते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको जो है कोर्स के अंदर में मिलेगी। कोर्स आपका जो है सिर्फ ₹499 में अवेलेबल है, और जो टेस्ट सीरीज है वो आपका सिर्फ ₹299 में अवेलेबल है, और जो आपका कॉम्बो है वो आपका जो है सिर्फ ₹699 में अवेलेबल है। जो तीसरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में वो कॉम्बो का है, जो पहला है वो कोर्स का है, जो दूसरा है वो हमारे पास में टेस्ट सीरीज का है। इसको आप लोग लेट मत करो, आप इसका फायदा इमीडिएटली उठाओ, क्योंकि इससे आपको बहुत बढ़िया रिटर्न आपके लाइफ में मिलने वाली है। एंड अगर आप अभी भी 50-60 इस रेंज में अटके हुए हो, वहां से आपको उठा करके 100+ जाना है, जादवपुर जाना है, तो ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि हजारों स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी गेम चेंजर साबित हो चुका है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चिटकुट्स की वीडियो पसंद आएगी, आपने से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ट्रिक्स एंड चिटकुट्स की वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।